दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था टॉप 10 HBO ओरिजिनल वेब सीरीज और टीवी शोज के बारे में। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। उस वीडियो में रेकमेंड की हुई वेब सीरीज और टीवी शोज को इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इसके बाद जाकर देख लेना। तो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं लिट प्राइम और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 HBO ओरिजिनल वेब सीरीज एंड टीवी शोज अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है रूम 104। ये एक एंटोलॉजी सीरीज है जो हमें हर एपिसोड में कुछ नया दिखाती है। स्टोरी सेट होती है एक मोटेल के रूम 104 में, जहां पर रुकने वाले गेस्ट के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा फनी और मैजिकल, तो कुछ काफी ज्यादा डार्क, ड्रामेटिक और हॉरिफाइंग। हर एपिसोड में कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो जरूर देखना ये सीरीज क्योंकि मजा आता है। नंबर 9 पर आती है शार्प ऑब्जेक्ट। ये एक मर्डर मिस्ट्री लिमिटेड सीरीज है। स्टोरी फॉलो करती है रिपोर्टर कमील को, जो एक मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने टाउन वापस आती है। लेकिन एक नॉर्मल सा मिसिंग केस एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर मिस्ट्री में चेंज हो जाता है और फिर ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही टाउन में वापस आने के बाद कमील का भी अपने पास्ट से आमना सामना होता है और काफी डार्क सीक्रेट सामने आते हैं। ओवरऑल ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीरीज के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पहला तो एमी एडम्स की परफॉर्मेंस कमील के कैरेक्टर में, और दूसरा इस सीरीज की एंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मर्डर मिस्ट्री फैंस के लिए ये सीरीज मस्ट वॉच। नंबर 8 पर आती है सक्सेशन। स्टोरी फॉलो करती है रॉय फैमिली को, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते हैं। लेकिन लोगन रॉय के कंपनी से स्टेप डाउन करने के बाद पूरी फैमिली में टेंशन बिल्ड होने लगती है कि लोगन की जगह कौन लेगा। अब जानता हूं सीरीज का कॉन्सेप्ट सुनने में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन 8.9 IMDb रेटिंग के साथ दुनिया की वन ऑफ दी बेस्ट ड्रामा सीरीज है ये। ग्रेट कास्टिंग, टॉप नॉच कैरेक्टर डेवलपमेंट, मस्ट वॉच सीरीज। नंबर 7 पर आती है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। GOT लवर्स के लिए ये सीरीज किसी मास्टरपीस से कम नहीं। पर्सनली मैंने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। स्टोरी सेट है गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 200 साल पहले, जहां पर पूरे वेस्टरोस पे हाउस टारगेरियन का राज था। इस सीरीज के अंदर भी गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसे ही पॉलिटिक्स का बहुत ही मेजर रोल है। वैसे अभी सिर्फ सीजन 1 आया है, तो ज्यादा प्रिडिक्शंस नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा बेहतर हो जाए। Who knows? स्टोरी बहुत ज्यादा एक्सपेंड होनी है, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने हैं, बहुत कुछ देखना है, मजा आएगा। बाकी म्यूजिक, कैरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी, पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आ रही थी। वेल डन HBO, वेल डन। नंबर 6 पर आती है ट्रू ब्लड। अब पहले तो मैं ये शो देखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगा था कि ये कोई ट्वाइलाइट जैसा क्रैप होगा, लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया है। स्टोरी फॉलो करती है एक वेटरेस सुकी को, जो कि एक बिल नाम के वैम्पायर से मिलती है और वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। अब इन दोनों की लव स्टोरी इस सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये इस सीरीज का सेंटर पॉइंट नहीं है। शो के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर ह्यूमंस, वैम्पायर्स और बहुत सारी सुपरनेचुरल एंटिटीज एक साथ रहती हैं। अब अगर इस तरह की दुनिया है तो वहां पर चीजें तो खराब होंगी ही, और यही होता है इस शो के अंदर भी। टाइम टू टाइम पर ये शो बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, म्यूजिक काफी बढ़िया है। ओवरऑल मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। नंबर 5 पर आता है गेम ऑफ थ्रोन्स। अब गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 99.9% चांसेस है आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा होगा। इसीलिए इसे इंक्लूड करने का ज्यादा मतलब नहीं बनता, लेकिन जब भी मैं गेम ऑफ थ्रोन्स को इंक्लूड नहीं करता हूँ, कमेंट सेक्शन में लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो भाई आपको भी गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, मुझे भी गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, रख दिया लिस्ट में, लेकिन क्या इसके बारे में बात करने का कोई मतलब बनता है? नो, इसलिए हम सीधा नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पर आती है दुनिया की वन ऑफ दी बेस्ट मर्डर मिस्ट्री सीरीज मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। सीरीज लेकर जाएगी आपको ईस्ट टाउन में, जहां पर एक टीनेज लड़की का बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ मर्डर कर दिया जाता है। इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करती है ईस्ट टाउन की फेमस ऑफिसर मेयर। अब स्टोरी वाइज तो इससे ज्यादा कुछ भी बताना आपके लिए सीरीज का एक्सपीरियंस खराब करना होगा, इसलिए मैं रहने ही देता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे लिए ये दुनिया की नंबर 1 मर्डर मिस्ट्री सीरीज है। अब मैं बहुत ही ज्यादा मर्डर मिस्ट्री देखता हूँ, इसलिए चीजें बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होने लगती हैं। लेकिन बात करें इस सीरीज की तो भाई माइंड ब्लोइंग, माइंड फकिंग। स्टार्ट से लेकर एंड तक इस सीरीज ने मुझे खुद से पूरी तरह से हुक्ड रखा, और भाई इसकी एंडिंग कोई गैस नहीं कर सकता। तो अगर आप फैन है मर्डर मिस्ट्री सीरीज देखने के, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट है, परफेक्ट सीरीज। नंबर 3 पर आती है
द लास्ट ऑफ अस। 2022 में जितनी भी सीरीज आई हैं उन सभी में वन ऑफ द बेस्ट है द लास्ट ऑफ अस। एक इन्फेक्शन के चलते पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है और ह्यूमैनिटी के लिए लास्ट होप है एली का कैरेक्टर। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो एली को कई सौ किलोमीटर की जर्नी तय करनी होगी, जिसमें उसकी हेल्प करता है जोल का कैरेक्टर। एली और जोल के लिए ये डेडली जर्नी कितनी ज्यादा डार्क, ब्रूटल और हॉरिफाइंग हो जाएगी, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज का हॉरर, एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक, कैरेक्टर्स, उनकी डेवलपमेंट ग्रेट। लेजेंडरी द वॉकिंग डेड और किंगडम के बाद तीसरी सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज बन चुकी है ये मेरे लिए, मस्ट वॉच। नंबर टू पर आती है ट्रू डिटेक्टिव। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स काफी दिनों से मुझे ये सीरीज देखने के लिए बोल रहे हैं और फाइनली मैंने इसका सीजन 1 देख लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक सिर्फ सीजन 1 देखा है, आज रात में भी सीजन 2 स्टार्ट कर दूंगा, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन सीजन 1 को देखकर ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है। लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सोच रहा हूँ कंप्लीट करने के बाद इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, वहां पर इसके बारे में डिटेल्स में बात होंगी। क्योंकि भाई इतने लेजेंडरी शो को एक अलग से वीडियो देना बनता है। मुझे नहीं पता सीजन 2-3 कैसा होगा, लेकिन भाई सीजन 1 मास्टरपीस। नंबर 1 पर आती है वेस्ट वर्ल्ड। सीरीज की स्टोरी सेट है फ्यूचर में, जहां पर ह्यूमंस ने एक बहुत ही ज्यादा हाई टेक वेस्टर्न थीम पार्क को डेवलप कर दिया है, जहां पर इंसानों की तरह दिखने और बिहेव करने वाले रोबोट्स हैं, जिन्हें होस्ट कहा जाता है। अब ह्यूमंस उस पार्क के अंदर जाते हैं, होस्ट को मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, बुरे से बुरे काम करते हैं उनके साथ। बाद में उन होस्ट की मेमोरीज वाइप कर दी जाती हैं और उन्हें उनकी पोजीशन पे रीसेट कर दिया जाता है। लेकिन मजा तो तब आने लगता है जब उन होस्ट की मेमोरीज रिकवर होने लगती हैं और वो खुद से डिसीजन लेने लगते हैं। इसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा डार्क होने लगती है। मतलब डार्क तो पहले ही थी, लेकिन और भी ज्यादा डार्क होने लगती है। द एक्सपेंस के बाद अगर कोई मुझे सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज लगती है तो वो वेस्ट वर्ल्ड है। जिन लोगों ने वेस्ट वर्ल्ड सीरीज देखी है वो समझ सकते हैं कि ये सीरीज कितनी ज्यादा औसम है। तो गाइस, अगर आपने अब तक वेस्ट वर्ल्ड नहीं देखा है तो जरूर देखना। इस सीरीज के कैरेक्टर्स, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ 10 out of 10, टॉप नॉच। तो बस गाइस, आज की वीडियो में तो इतना ही। मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे थे हॉलीवुड प्राइम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आई थिंक आई एम अ रोबोट।